Okay. Number three point is the prohibition of riba. I will prepare separate lecture upon the riba. यहां से हमारे तीन से चार क्लासेस में लूंगा आपकी रिबा के ऊपर, तो रिबा को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट एज ए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट द रिबा इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. अल्लाह अलमाइटी इन कुरान मजीद हैज प्रोहिबिटेड अहल्लल्लाहु अल-बैया व हर्रम अर-रिबा. अल्लाह परमिटेड सेल एंड प्रोहिबिटेड रिबा, इंटरेस्ट, यूजरी. यूजरी क्या होता है? यूजरी होता है कि दैट इज इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कंजम्पशन लोन्स, यानी वो लोन्स जो इंसान अपनी जाती जरूरियात के लिए उठाता है, उन जाती जरूरियात पर उठाए हुए कर्जों के ऊपर जो सूद अदा करता है उसे यूजरी कहते हैं. ये तकसीम अगरचे इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं करते, ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स ने किया है. वो लोग जो सूद को खाना चाहते थे उन्होंने ये तकसीम की है बुनियादी तौर पर, वो कहते हैं ये यूजरी है. और जो इंटरेस्ट है उसके बारे में कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर तिजारत और बिजनेस के मकसद के लिए जो कर्ज लिया जाता है और उस पर जो सूद अदा किया जाता है वो इंटरेस्ट होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजरी एंड इंटरेस्ट. लेकिन इस्लाम दोनों को क्या कहता है? इस्लाम कहता है रिबा. इस्लाम एक ही टर्म यूज करता है. जब इस्लाम कहता है कि रिबा इज प्रोहिबिटेड, तो इसका मतलब है यूजरी भी प्रोहिबिटेड है, इंटरेस्ट भी प्रोहिबिटेड है. अच्छा, जब मैं पूछूंगा ना प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों से, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब आप प्रोहिबिशन ऑफ रिबा लिखेंगे तो बस इतना ही लिख देना काफी है कि भाई यूजरी ये होता है, इंटरेस्ट ये होता है. इस्लाम जब कहता है यूजरी और इंटरेस्ट हराम, रिबा हराम, तो यूजरी भी हराम, इंटरेस्ट भी हराम. लेकिन आप लोगों को कम से कम ये बात लिख लें, आपको दो आयतों की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, दो हदीसों की ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए. वो आपने वहां पर लिखनी होगी कि भी कुरान मजीद जो है वो ये फरमाता है, हुजूर सल्लम ने रिबा के बारे में ये फरमाया. तो दो हदीसों का तर्जमा और दो आयतों का तर्जमा आपको लिखना पड़ेगा. नंबर फोर, प्रोहिबिशन ऑफ कीमार एंड मैसर. Kimar is acquisition of something depends upon luck and chance, like betting. Kimar, जिसे हम कहते हैं जुआ, मुकद्दर पे लिखा हुआ होता है. हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लॉटरी, इस्तलाह इस्तेमाल होती है कि भाई लॉटरी हराम है. एक चीज ध्यान में रख लें, एक है कि हमारे यहाँ जो लॉटरी का मतलब लिया जाता है वो कुछ और है, हकीकत में लॉटरी इटसेल्फ कुछ और है. लॉटरी का मतलब होता है इटसेल्फ पर्ची डालना और किसी का नाम निकालना, बस ये लॉटरी कहलाता है. लॉटरी इटसेल्फ जुआ नहीं है, ये आप सारे ज़हन में रख लें. लॉटरी इटसेल्फ ए टूल, ये एक टूल है, लाइक जिस तरह नाइफ छुरी, ये एक टूल है. बिल्कुल इसी तरह लॉटरी भी एक टूल है. ये फैसिलिटेट करता है आपको, जिस तरह छुरी आपको फैसिलिटेट करती है कि आप उसके साथ सब्जियां बना लें या किसी की गर्दन पे छुरी फेर दें. गर्दन पे छुरी फेरेंगे तो वो नाजायज, आप सब्जियां काटेंगे तो जायज. बिल्कुल इसी तरह लॉटरी इटसेल्फ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लॉटरी करते थे कि जब आप किसी जगह ट्रेवल करने के लिए जाते थे, ट्रेवल के लिए जाते थे, आप किस अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाएं, जो कि आपकी मोर देन वन वाइफ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपनी वाइफ के नाम की पर्चियां कुरा निकालते थे. जिस भी वाइफ का नाम कुरा में निकलता था वो जोजा मुताहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रेवल में शरीक होती थी. अब ये देखें, ये भी तो लॉटरी है ना कि आपने कुरा निकाला, किसी का नाम निकाला. लेकिन किस पर्पस के लिए था? जायज पर्पस के लिए था कि बीवी को साथ लेके जाना है. लॉटरी इटसेल्फ हराम नहीं है, याद रख लें ये बात. हाँ, एक्शन डिपेंड करेगा कि किस पर्पस के लिए आप लॉटरी को यूज कर रहे हैं. अब अगर कुछ लोग क्या करें, जी आए आपकी क्लास हो, 30 लोग हैं, जी एक एक सौ रुपया मिलाएं सारे के सारे, और सारे के सारे एक एक सौ रुपया मिलाते हैं, 3000 रुपए बनेंगे, 30 लोग हैं, पर्ची डालते हैं, जिसके नाम का कूड़ा निकला ये 3000 उसके. नो इट इज बेटिंग, नो इट इज गैम्बलिंग. अब यहां पर कूड़ा अंदाजी करना हराम है. हम कहेंगे कि ये गैम्बलिंग है. यहां लॉटरी जो यूज हो रही है वो गैम्बलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए यूज हो रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहां पर यह हराम है. हाँ हाँ, तो
उस पर डिपेंड करता है, उसकी देखना पड़ेगा कि अगर तो वो उसकी जो है वो पहले से कुछ जो पार्टिसिपेंट आए हुए होते हैं उनसे अगर उसकी वो टिकट लेते हैं, क्योंकि वो जो टिकट वसूल करते हैं ना, टिकट में भी उनका बुनियादी तौर पर वो चार्जेस होते हैं उसके। असल में जुआ होता क्या है? जुआ होता ये है कि आपके पैसे या तो बाकी सबके पैसों को खींच कर आपके पास ले आए या आपके पैसे भी चले जाएं। जुआ ये होता है, या तो आपके पैसे भी चले जाएंगे या फिर आपके पैसे बाकियों के पैसों को खींच के आपके पास ले आएंगे। तो ये जुआ है, इस्लाम इसको मना कर दिया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये दिलों में नफरत पैदा करता है। आप अक्सर देखते होंगे ड्रामे मूवीज जो गैम्बलिंग में होती हैं, तो वहां पे आपको नफरत नजर आ रही होती है। जो जीत जाता है, जो हारने वाले होते हैं, वो कह रहे होते हैं जो जीत गया है इसको बाहर जाके मार डालेंगे, पैसे छीन लेंगे। उससे लोग नफरत कर रहे होते हैं। बाकी क्यों नफरत कर रहे हैं? ये एक फितरी चीज है कि भाई मेरे पैसे ये सारे इसके पास क्यों आ गए। तो दिलों में नफरत आती है और अल्लाह ताला इसी वजह से इन चीजों को हराम कर देता है, क्योंकि ये नफरत पैदा करती है और मुआशरा इससे खराब हो जाएगा, मुआशरे का अमन बर्बाद हो जाएगा, तो इंसान के ताल्लुक खराब हो जाते हैं। इस वजह से इस्लाम ने इनको हराम कर दिया। कीमार हराम कर दिया, खमर शराब को हराम कर दिया। वल अजलाम, ये जो आपको नजर आ रहा है अजलाम, ये अजलाम का मतलब होता है, ये क्या कहते हैं कि इनको हम कहते हैं डाइविंग एरोस, ये एरोस ऑफ लक भी कहा जाता है इनको। यानी पुराने जमाने में जब ये कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, या अभी मूवीज के अंदर भी आप देखते होंगे, वो चुड़ैल नुमा औरतें होती हैं जिनके पास बंदे आके ये कहते हैं कि हमें बताओ हम ये सफर पे जा रहे हैं, हमें ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस जमाने में इस तरह की विचेस टाइप औरतें होती थी जो ये काम करती थी कि उनके बकेट होती थी, बकेट में एरोज होते थे और एरोज पे एक तीर पे लिखा होता था जाओ और दूसरे तीर पे लिखा होता था ना जाओ। तो बंदा जाता था, जी मैंने ट्रेवल पे जाना है तो मुझे बताएं मेरे लिए जाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो फिर वो उससे पैसे लेती थी और वो अपनी बकेट को घुमाती थी और कहती थी इसमें से कोई तीर चुनो। तो वो तीर चुनता, अगर तीर पर लिखा होता कि ना जाओ तो फिर वो उसे कहती कि अगर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब वो कहता मैं क्या करूं? वो कहती थी नहीं, एक पॉसिबल वे है। और वो क्या है? वो ये है कि तुम इतने पैसे सदका करो, मेरे इस बक्स में डालो। तो वो उसके बक्स में पैसे डालता और बाद में फिर वो दोबारा शेक करती और अपनी बकेट को और कहती अब तीर चुनो। तब तक वो तीर चुनता रहता और सदका देता रहता जब तक कि वो तीर ना निकलता जिस पे लिखा होता था कि जाओ। जब जाओ तो फिर वो कहती थी अब जाओ, तुम्हारे ऊपर बलाएं टल गई हैं लिहाजा अब तुम जा सकते हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज थी इस्लाम ने उनको मना कर दिया। इस्लाम ने कहा कि नहीं, ये हराम है तुम्हारे लिए। इन चीजों को जो है वो अजलाम कहा जाता था। ऐसी कमाई भी हराम है और ऐसे अमल करने भी तुम्हारे ऊपर हराम है। दैट इज द रीजन कि ये जो नजूम आ जाते हैं, नजूमी आ जाते हैं, या ये जो हाथ की लकीरें पढ़ने वाले, सियारे पढ़ने वाले, ये सारे अमल हराम है। इनकी कमाइयां हराम है, इनकी इनकम हराम है। ये वेस्ट का कल्चर था, उन्होंने वेस्ट के मीडिया के अंदर आ गए, जी 1 घंटा प्रोग्राम चलेगा, जी तुम्हारे सियारों की सितारों का क्या चाल से तुम्हारे हालात बताएंगे। तो उनकी नक्काली करते हुए पाकिस्तान के मीडिया ने भी वही शैतानी काम शुरू की है कि हमारे यहाँ भी इसी तरह के प्रोग्राम टीवी पे शुरू हो गए बाकायदा। मैं हैरान हो रहा हूँ तो लोग कॉलिंग कर रहे होते हैं, जी मेरे बताएं मेरे कल क्या होगा, मेरी मुकद्दर का क्या होगा, वो जी सितारों का हाल देखने वाला बता रहा होता है। तो मुसलमान के लिए ये चीजें हराम है। और अगर कोई इस नीयत से इन लोगों को कॉल करता है, इस नीयत के साथ कि ये जो बताएगा ठीक होगा, तो वो काफिर हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कि अगर वो ये समझे कि ये जो बता रहा है ये ठीक बता रहा है, तो अल्लाह ताला ने ये चीजें अपने अम्र में रखी हैं कि कल क्या होगा ये अल्लाह तबारक व ताला फैसला फरमाएगा, ये अल्लाह के तकदीर का मालिक है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है ख्वार व जुबूं, कि वो खुद आसमान के अंदर अपने टिमटिमा रहा है, उसे अपने वजूद के लाले पड़े हुए हैं, ये सितारा मेरी तकदीर की खबर कैसे दे सकता है, मैं तो अशरफुल मखलूक हूँ।
अल्लाह ताला ने मुझे सारी मखलूक से आला तरीन इंसान बना के पैदा किया और मैं अपने मुकद्दर के लिए सितारों को देखता फिरूं, ये मुमकिन नहीं। तो बंदा मोमिन जो है वो सितारों का मोहताज नहीं है। हाँ हाँ